कोरोना महामारी के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कोरोना महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर खराब हो रही अर्थव्यवस्था का ठीकरा फोड़ता रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेता चुनाव के दौरान अर्थव्यवस्था के बहाने मोदी सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी और केंद्र सरकार की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी रफ्तार पकड़ लेगी इसका अनुमान किसी को नहीं था। दो सालों के कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5% की दर से विकास किया है, जबकि 2021-22 की पहली तिमाही में 20.1% GDP रहा था, तो चौथे तिमाही जनवरी से मार्च के बीच देश का आर्थिक विकास दर 4.1% रहा था। दरअसल 2021-22 के लो बेस और घरेलू मांग में तेजी के चलते GDP ग्रोथ रेट बढ़ा है, साथ इस तिमाही में निवेश खपत में तेजी देखी गई है। 2022-23 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 13.5% रहा है, लेकिन ये RBI के 16.2% के अनुमान से कम है। बता दें कि ये आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किए हैं। बीते दो वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 की पहली तिमाही कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से प्रभावित रहा था, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। हालांकि इस तिमाही में भी वैश्विक कारणों के चलते कमोडिटी की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली थी, बावजूद इसके आर्थिक विकास में रफ्तार देखने को मिली है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का पटरी पर लौटना अच्छा संकेत माना जा रहा है। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान लगाया जा रहा था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार की वजह से 2 साल के भीतर ही भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।